यस मैम, अब हमारे पास, अगर मेरे को बताना है कि 4 और 5 के बीच में जो 1 सेकंड बीती उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैसे पता लगा सकते हैं? कौन बताएगा? अगर 5 सेकंड का पता है और 4 तक का पता है, फाइव माइनस फोर करेक्ट। हम उन दोनों को अगर, गुड गुड इवनिंग, मान लो कि हमारे पास यहां तक की वैल्यू है ए से बी तक की, और यहां तक की वैल्यू है ए से सी तक की, तो इसके बीच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली ए इवनिंग माइनस ए सी। मैम। तो ऐसे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये था 5 सेकंड वाला डिस्टेंस और ये था 4 वाला। एबी करेक्ट। तो मैं अगर 5 वाले टाइम में से 4 वाला टाइम अगर माइनस कर दूं, तो बीच में 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अब हम उसी का एप्लीकेशन लेके फॉर्मूला बनाते हैं कि मैंने पांच चार करा है, अब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर कोई भी सेकंड के लिए निकालना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले निकाला कि अगर एन सेकेंड हुई है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिया था, तो उसमें मैंने टाइम की जगह 5 पुट करा था, यहाँ पे टाइम की जगह एन पुट कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर। फिर अगर मेरे को निकालना है इससे 1 सेकेंड पहले, तो एन से 1 सेकेंड पहले मतलब एन माइनस 1 सेकेंड, करेक्ट। तो मैंने एन टाइम की जगह एन माइनस 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहां तक किसी को डाउट? मैम अब यहाँ पे समझो इस चीज को, एक टर्म होती है एन सेकेंड और एक होती है एन एथ मैम सेकेंड। तो एन सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, उन पांचों को मिला के जो 5 सेकेंड बन रही है। एन एथ का मतलब है पांचवी वाली जो सेकेंड बीती उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ आया है? यस मैम, यस मैम। ओके। तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है कि वो जो 1 सेकेंड बीती है 4 और 5 के बीच में, उसमें कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर देती हूँ, बड़े वाले को और छोटे वाले को, तो पता चल जाएगा वो जो 1 सेकेंड का गैप हुआ उसमें कितना हुआ। तो जो ऊपर जो फॉर्मूलेज आए थे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, वही बस यहाँ पे पुट करते हैं। तो यू के साथ हमारे पास इसमें था यू एन, और सेकेंड वाले टर्म में था यू एन माइनस 1, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर जो सेकेंड टर्म है वो एक्सेलरेशन वाली हाफ ए एन स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, और ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैम अब क्या करते हैं, यू को कॉमन ले लेते हैं इस वाले में से। तो जैसे ही यू को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एन माइनस एन माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एन माइनस एन प्लस 1, और बाहर एक यू लगा हुआ है, ये एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास लास्ट में यू। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर मैं जो राइट साइड वाली टर्म है उसको देखो, तो यहाँ पे हमने हाफ, शगुन आपको कोई डाउट है? हमने यहाँ पे हाफ और एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया है एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, एन स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट, माइनस फोर ए प्लस फोर बी। ए स्क्वायर। अभी एक्सप्लेन करती हूँ केत की, बस 1 मिनट लिए लास्ट पॉइंट क्लियर कर देते हैं। एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस 2 एन, तो यहां से एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 एन आएगा, एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कट गया, क्या बचा 2 एन माइनस 1, और ये हाफ एक्सेलरेशन के साथ लग जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा एन एच सेकेंड का। एन एच सेकेंड का मतलब क्या है केत की, मैं यहाँ पे टाइम लिखती हूँ 0, 1, 2, इसके बीच में भी 1 सेकेंड बीतती है, इसके बीच में भी 1 सेकेंड बीतती है, और अगर मैं 3 लिखूं तो इसके बीच में भी 1 सेकेंड बीतती है। ये क्या है, हमारी पहली सेकेंड, ये दूसरी सेकेंड, और ये तीसरे नंबर वाली सेकेंड।
तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर सेकंड में, कि अगर तीसरी सेकंड बीत रही है तो उसके बीच में कितना रास्ता ट्रेवल हुआ। समझ आए कीर्ति? यस मैम। सबको क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैं आप लोग की कन्वीनियंस के लिए पहले वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ। एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू, और ए बाय टू के साथ आएगा टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फोर्थ सेकेंड इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड। मतलब जितना रास्ता वो जब चौथी सेकेंड बीत रही थी तब पार कर रहा था, वो कितना है जो दूसरी सेकेंड बीती उसका डबल हो गया। और हमें क्वेश्चन में बता रखा है एक्सेलरेशन ये है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है एस ऑफ फोर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस ऑफ टू। तो पहले एस ऑफ फोर का फॉर्मूला बना देते हैं। एस ऑफ फोर के लिए इस इक्वेशन में क्या पुट करना पड़ेगा इनकी जगह? यू प्लस ए बाय टू, और अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, एन की जगह क्या पुट करें? टू इंटू फोर माइनस वन, ये आएगा ना जब चौथी सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। थ्री नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन थ्री है, वो लास्ट में पुट करेंगे, अभी पहले दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, यू प्लस ए बाय टू और एट माइनस वन यहाँ पे सेवन हो गया। प्रीति देखो, अगर आप एक्सेलरेशन को थ्री पुट कर रहे हो, यहाँ पे 21/2 आ रहा है ना, पॉइंट में आएगा, इवन नंबर होता तो पुट कर देते, इसलिए नहीं पुट कर। यस मैम। अब अगर मैं दूसरी सेकंड का निकालूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यू प्लस तो ये बन जाएगा u प्लस ए बाय टू इंटू थ्री। क्लियर है सबको? क्वेश्चन में जो पार्टिशन दे रखे है उसके हिसाब से u प्लस सेवन ए बाय टू का है डबल है u प्लस थ्री ए बाय टू की। तब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं टू से, टू यू प्लस सिक्स ए बाय टू, यू प्लस सेवन ए बाय टू। अब क्या करें? हम ए की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है। और सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे यू है यहाँ पे टू यू है, सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये यू मैं राइट साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस यू, और ये वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, ए बाय टू बच जाएगा। यस मैम। सेवन ए में माइनस किया अपॉन टू ए बाय टू आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारी हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना था? थ्री बाय टू। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई थ्री बाय टू, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, ठीक है, सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्लीज बता दो मैम, फिर से रिपीट कर दो फिर से। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना डिस्प्लेसमेंट चौथी सेकंड में हुआ वो दूसरी सेकंड वाले के डबल है। तो हमारे पास फॉर्मूला था डायरेक्ट कि अगर किसी भी सेकंड के लिए हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है। तो उसमें मैंने पहले चौथी सेकंड के लिए फोर पुट कर दिया, टाइम जहां जा रहा वहां पे, मतलब एन की वैल्यू जैसे यहाँ पे फोर वहां पे था फोर सेकंड के लिए, तो एन यहाँ पे फोर पुट कर दिया।
इससे हमारे पास आ गया u प्लस 7 a बाय 2। अब अगर हम दूसरी सेकंड के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं तो n की जगह 2 पुट करा तो u प्लस 3 a बाय 2 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ सेकंड वाला सेकंड सेकंड के डबल है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। s ऑफ 4 के भी हमने निकाली u प्लस 7 a बाय 2, और जो दूसरी सेकंड थी उसके लिए भी निकाला u प्लस 3 a बाय 2। फिर दोनों साइड बस ये पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 2u प्लस 6 a बाय 2 आया। फिर इस 2 से इस u को माइनस कर दिया, यहाँ पे आया। इस 7 a बाय 2 से 6 a बाय 2 को माइनस कर दिया, और लास्ट में हमें मिल गया u इक्वल्स टू a बाय 2 या फिर 3 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया पायल? यस मैम। और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे क्विक असाइनमेंट है आप लोग के लिए ट्राई करने के लिए, तो इसे ट्राई कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड इज गिवन बाय दिस 2 प्लस 3 n। कि अगर मैं किसी भी सेकंड का निकालूं कि इस सेकंड में कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला ये, और हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एनी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो इसमें जब आप एन को 1 पुट करोगे तो पहले सेकंड के लिए आएगा, और हमें उस फॉर्मूले से भी पता है यू प्लस ए बाय 2 इंटू 1 माइनस 1, और इससे भी निकाल सकती हूँ पहली सेकंड के लिए, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस मैम। ठीक है, मल्टीपल इक्वेशंस आएंगे, हमें यू निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फिर वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एक बॉडी 200 सेंटीमीटर कवर कर रही है पहली 2 सेकंड में, 220 अगले 4 सेकंड में, और एक्सेलरेशन सेम है पूरे टाइम। हमें बताना है वेलोसिटी क्या होगी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। जगदीश कुमार कौन है? हाँ, अपना माइक म्यूट रख लो, थैंक यू। तो हमें बताना है यहाँ पे एट द एंड ऑफ 7 सेकंड क्या होगी वेलोसिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि अगर मैं 0 से 2 सेकंड की बात कर रही हूँ तो ये मेरा फर्स्ट 2 सेकंड हो गया, पर अगली 4 का मतलब है 2 के बाद जो 4 सेकंड गई जाएंगी वो वाली वैल्यू। तो 2 के बाद 4 मतलब हम लोग 6th टाइम पर पहुंच गए हैं। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है ना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो स्टार्टिंग पॉइंट से टाइम लेता है कि यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम बीच में टाइम लेंगे। तो हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दें और उसमें से 2 वाला माइनस कर दें, या फिर मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं 2 को स्टार्टिंग पॉइंट लूं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको स्टार्टिंग वाली लूं और फिर आगे 4 चलूं तो मैं 6th वाले टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। क्या बोल रहे हो? किसी ने रिपीट करने को बुलाया? यस मैम। हाँ। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्वेश्चन में बता रखा है पहली 2 सेकंड का और अगली 4 सेकंड का। तो हम जब भी मेजर करते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं कि भी स्टार्टिंग से 2 भी थी वो टाइम, या स्टार्टिंग से जब 6 भी थी वो टाइम। पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है ये 2 से 4 के बीच, 2 से और 6 के बीच में जो 4 सेकंड बीती उसके लिए वैल्यू दे रखे 220। तो कोई और भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को माइनस कर दें कि 0 से 6 वाले में से मैंने 0 से 2 वाला माइनस कर दिया, या फिर अगर मैं 2 को ही स्टार्टिंग पॉइंट बना दूं कि यहाँ की वेलोसिटी देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या आ रही है और फिर मैं आगे चलूं 4 सेकंड, तो वो भी कर सकते हैं। समझ आया है अब? यस मैम। यस मैम। आप क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है अ थीफ सीज अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस 200 मीटर।
एक चोर ने पुलिस को देखा जब वो 200 मीटर दूर था, और देखते ही चोर भागने लग गया 8 की स्पीड से। फिर क्या हुआ, पुलिसमैन उसके पीछे भागने लग गया 9 की स्पीड से, और वो चोर पकड़ा गया। और हमें बताना है कितना डिस्टेंस चोर भागा। तो अगर दोनों बॉडीज मोशन में होती हैं तो कौन सा कंसेप्ट लगता है? हाँ दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? हाँ मैम, दिस रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक यस मैम, है? जैसे दो ट्रेन जा रही होती थी उसमें करवाया था ना मैंने, ऐसे यहाँ पे आने वो दोनों भाग रहे तो एक रिलेटिव स्पीड है, ये वो निकालनी पड़ेगी। सेम है क्वेश्चन नंबर 4, बस वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग और वो चल रही है स्पीड 80 पे, और एक और ट्रेन है जो है 400 मीटर लॉन्ग और 64 की स्पीड पे चल रही है। अब इस ए वाली ट्रेन को क्या करना है, एक आदमी को पार करना है जो दूसरी ट्रेन में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कौन बता सकता है? मेरे पास दो ट्रेन है, एक 600 वाली है ये और यस एक मैम, 400 वाली है। यहाँ पे एक आदमी है उसको पार करना है, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा पीछे वाली ट्रेन को? 200, दो 200। कैसे 200 में तो वो आधी ट्रेन पार कर पाएगी, वो पूरी की पूरी ट्रेन को पार कर रहा है उसे। 800, 800 पहले ये बताओ ये टू फैक्टर कहाँ से ला रहे हो, 200 कहाँ से लाए थे? 600 अच्छा, और अब 800 मैम, कहाँ से सिक्स लाए? हंड्रेड में 400 प्लस 600 में 400 प्लस का 800 होता है, नो 1000 1000 हो जाएगा वो तो।1000 तो यहाँ पे देखो, अगर एक इंसान यहाँ पे है जहाँ पे मैंने सर्कल कर रखा है, तो उसको पूरी ट्रेन पार करेगी। तो मान लेते हैं पहले वो ट्रेन जब 400 वाली यहाँ पे है, तो पीछे वाली ने सिर्फ 400 पार किया, तो उसके पीछे 200 की ट्रेन रह जाएगी ना। यस मैम, अब क्या करना है, मैंने कहा था उस आदमी को पूरा क्रॉस करना है, तो ये 200 वाला हिस्सा भी और आगे जाना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 400 उसने पहले इस ट्रेन के बराबर कर लिया, फिर जो पीछे का हिस्सा रह गया वो भी आएगा, तो टोटल हो जाएगा 600। समझ आया सबको? यस मैम, यस मैम, ओके। फिर हमारे पास फ्री फॉल आता है, किसी को पता है क्या होता है फ्री फॉल, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? विदाउट एक्सेलरेशन जैसे लगती है ग्रेविटी होती अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। हाँ, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटी, जब वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है उसे कहते हैं फ्री फॉल। अब सिर्फ नीचे की तरफ आने के केस में हो सकता है या ऊपर वाले केस में भी? यस मैम, नीचे दोनों ही केस में हो सकता है। देखो, चाहे बॉडी नीचे आ रही है उस केस में भी, और चाहे मैंने उसे ऊपर एक बार फेंका, आएगी तो फिर भी नीचे ही ना हो ग्रेविटी के कारण। यस मतलब और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी के अलावा, उसे फ्री फॉल ही माना जाता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि अगर हम वैक्यूम लें जिसमें मतलब और कोई फोर्स नहीं है सिर्फ ग्रेविटी है, या फिर हम एयर रेजिस्टेंस लें। रेजिस्टेंस जैसे करंट की रुकावट होती है, ऐसे यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा में रुकावट। तो अब अगर हम देखें ये कैसा मोशन हो रहा है, तो आप देख सकते हो वैक्यूम वाले में तो इजीली आ गए, पर एयर रेजिस्टेंस वाले में वो अटक अटक के आए थे। ये क्लियर है सबको? यस अब जब भी हम मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मैम, जीरो जीरो जी होता है ना। मैम, जब अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो वो एक एक्सेलरेशन लगा प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी पे, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जाती है जी। अब अगर हम जी के पूछे मैं आपसे कि जी वर्टिकल वाली डायरेक्शन में लगता है या हॉरिजॉन्टल वाली में? वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल
वर्टिकल वाली में डायरेक्शन, वर्टिकल और वर्टिकल वाली डायरेक्शन में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का आपको ये बताना है वर्टिकल डिस्टेंस, तो क्या बताते हो आप? हाइट, हाइट बताते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे जब ग्रेविटी फ्री फॉल की बात करेंगे तो हम हाइट यूज करेंगे सिंबल एस की जगह। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सबसे पहली वाली इक्वेशन में भी क्या हुआ, a की जगह हमने b लगा दिया, दूसरी वाली में s की जगह h लग गया और a की जगह g लग गया, फिर तीसरी वाली में हमने क्या किया, a की जगह g और s की जगह h। ये क्लियर है सबको? यस। तो जब ग्रेविटी कारण मोशन हो रहा है तो हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, ग्राउंड लेवल का मतलब रोड, फर्श या फिर अर्थ नहीं है, ये वो लेवल है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, जहां से हम फेंक रहे। तो उस पॉइंट से जितना भी ऊपर वाला डिस्टेंस होगा वो हम पॉजिटिव लेते हैं और उस पॉइंट के नीचे जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ऐसे उस पॉइंट के ऊपर जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे आने वाली वेलोसिटी नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन ध्यान से देखो, जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी क्या चाहती है, उसे नीचे की तरफ खींचना, नीचे की तरफ, पर हम उसे अगेंस्ट लेके जा रहे हैं ग्रेविटी के। तो ऊपर जाते हुए हम जी को माइनस लेते हैं और नीचे जाते हुए ग्रेविटी क्या चाहती है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ में डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में हम जी को पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और लैंडिंग स्पीड। तो जब जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो हम कहते हैं कितनी देर की फ्लाइट है, एक घंटे की, दो घंटे की, तीन की। तो टाइम का, फ्लाइट का मतलब क्या है, कितनी देर एरोप्लेन हवा में है। ऐसे जब भी हम कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो कितनी देर तक हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हमारे पास ऑब्वियसली बात है, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका वो हमेशा ऊपर जाती जाएगी या किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है, पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है। अब जितना वो मैक्सिमम ऊपर जा सकती है वही यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। फिर लैंडिंग स्पीड का मतलब है वो बॉडी वापस भी आएगी, तो कितनी स्पीड से वो वापस आ रही है, मतलब जस्ट पहले कितनी स्पीड थी उसकी लैंड करने से पहले, वो हमारी लैंडिंग स्पीड हो जाएगी। ये पॉइंट्स क्लियर है सबको तीनों? यस मैम। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी गिवन है? इनिशियल। u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। अब ऊपर जाते हुए g की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ऊपर जाते हुए क्या होती है? नेगेटिव। ग्रेविटी उसे नीचे खींचना चाह रही है। अच्छा अब ये बताओ, जब वो सबसे ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो उस बॉल की वेलोसिटी क्या होती है वहां पर? जीरो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह यूज होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। जब हम जीरो की बात कर रहे हैं ए से बी तक, और हमें बताना है सबसे पहले टाइम, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं? अच्छा एक सेकेंड, उससे अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो जब वो पार्टिकल ऊपर गया मतलब चढ़ाई का टाइम, और एक जब वो वापस आया नीचे उतरने का टाइम। ये समझ आया सबको? यस मैम। ऊपर जाने के टाइम ऑफ
एसेंट, और नीचे आने को टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ, टाइम ऑफ डिसेंट। अब जब हमारे पास कोई और फोर्स नहीं होता तो जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, तो टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करके बनता है, हो जाता है 2t। ये होता है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आया सबको? यस मैम। सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालेंगे स्मॉल टी निकालेंगे कि ऊपर जाने का टाइम। अब बताओ वेलोसिटी है, इनिशियल भी फाइनल भी, एक्सेलरेशन भी है, तो टाइम कौन से इक्वेशन से निकालेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के लिए हमारे पास नहीं है मैम। ये वाली यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, एक्सेलरेशन माइनस 10 और ये टी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? कितनी वैल्यू आएगी? 20 मैम। थ्री आएगी। देखो पाई ये 10 इस टी के साथ मल्टीप्लाई है, आप 30 और 10 को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इस 30 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे, -30 = -10t। समझ आ रहा है पायल? यस मैम। अब इस माइनस कर जाओ, बताओ टी की क्या वैल्यू आएगी? 3 करेक्ट, ये 10 फिर डिवाइड में चला तो 3 हो जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 3 + 3 के ऊपर जाने का टाइम है, तो 3 + 3 होएगा ना 6। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस बताना है कि ऊपर जाने का मैक्सिमम हाइट कितनी थी, तो कौन सी इक्वेशन यूज करो? फिर से ऊपर जाने वक्त हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी है आपको हमारे पास 30, और ऊपर जाने तक का टाइम कितना है? 3। ये देखो 6 सेकंड में तो हम वापस आ गए नीचे, हम बस ऊपर जाने तक की बात कर रहे हैं ना, हाइट कितना हुआ? 3। एक्सेलरेशन फिर से -10 और टाइम में 3 का स्क्वायर, तो बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी? सॉल्व करो इसे प्लीज। 30 कितना हो जाएगा? एक बार सब लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। मैम 45। -45। ओके, -45 कैसे आ सकता है? नहीं है ऊपर जा रही मैं 45 आएगा। फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 90, यहाँ से 2 5 हो गया और -45 तो आ जाएगा 45। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमें बताना है लैंडिंग स्पीड कि फाइनल स्पीड क्या थी। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन की तो हमें पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करके हम फाइनल स्पीड बता सकते हैं? हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, v = u + at करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है, एक्सेलरेशन कितना है? -10 यहाँ से कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? -30 आएगी, 30 - 60। अभी माइनस का मतलब यही है कि हम लोग नीचे की तरफ आए। समझ आया सबको ये? यस मैम। एक बार प्लीज बता दो, किसी को डाउट है तो किसी पर्टिकुलर स्टेप में? नो मैम।
नो मैम नो मैम नो मैम फिर हम आगे चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑन द ग्राउंड. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है कि अगर आप एक बस में बैठे हो, ठीक है, आप रुके हुए हो और एक बस चल रही है, फिर तो एकदम से बस रुक जाती है, तो हम किधर गिरते हैं? बैकवर्ड. बैकवर्ड ये बैकवर्ड बोल रहा है. बस में बैठे हो सब लोग? मैम जो मैम आगे की तरफ गिरती है मैम. एकदम से रुक गए तो आगे नहीं गिरते? यस मैम. तो आगे की तरफ अगर मान लेते हैं बस 10 की स्पीड से चल रही थी और एकदम से रुक गई, तो कितनी स्पीड से गिरोगे आगे? 10 की स्पीड से ही गिरेंगे. ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की? मैम इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन किसने बोला है? आंसर करेक्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन. पूछ रही मैं. ओके शगुन, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा रेस्ट में. हमारी बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहती है. यहाँ पे हमारी बॉडी को आदत हो रही है कि वो बस के साथ चल रही है, इसीलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर कोई बॉडी है वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर हम छोड़ देते हैं उसे, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है इनर्शिया के कारण, और जितनी स्पीड से पहले जा रही थी उतनी स्पीड से बाद में कोशिश करती है. ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब ये कंसेप्ट आगे के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. यहाँ पे हमारे पास है एक बॉल को हमने ऊपर फेंका इस टावर से और ये टावर 60 मीटर ऊंचा है और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 20 और हमें बताना है ये जो बॉल है वो वापस कितनी वेलोसिटी से आ रही है इस पॉइंट पे. क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. मेरे को ये बताओ जब इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20. एक्सेलरेशन माइनस 0.8 माइनस 10 ही रखते हो आप. ओके. अब अगर मैं ये पूछूं कितना रास्ता पार करा बॉल ने? 60. प्लस 60 या माइनस 60? प्लस माइनस 60. देखो अगर वो 5 मीटर ऊपर गई मान लेते हैं और 5 मीटर नीचे, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाती है ऐसे यहाँ तक की. तो बचा क्या ये नीचे वाला 60 और जिस पॉइंट से हमने फेंका ये उसके नीचे है ना? यस मैम. इसलिए ये माइनस में हो जाएगा माइनस. अब हमें हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हाइट. हमें वी बताना है. कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax. इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं. वी स्क्वायर हमें निकालना है. यहाँ पे आ गया 20 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 10 माइनस 60. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 62 is 120 और एक 10 से और मल्टीप्लाई किया तो 1200 और यहाँ से आया 400. अब देखो कौन बता सकता है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 800. मैम 400. मैम 800. मैम 800. आंसर 2 digit नंबर है, फिर से कैलकुलेट करो सब लोग. मैम 1600. मैं वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं पूछ रही, वेलोसिटी पूछ रही हूँ. 800. मैं बोल रही हूँ 2 digit नंबर है आंसर. 20. मैं 80. नहीं 80 भी नहीं है. 60. 40. 20. 40 करेक्ट है.
सारे नंबर्स बोल दो, है ना। देखो ये 400 राइट साइड जाएगा, तो ये तो सबको समझ आ गया होगा, फिर स्क्वायर 1600 हो जाएगा, है ना। यस मैम। रूट निकालने के लिए ऐसा करा करो, दो जीरो है तो इनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक जीरो इधर लगा दिया, एक जीरो उधर, ताकि हम लोग रूट लें तो एक आराम से निकाल सके। फिर 16 को ऐसे कौन से दो पार्ट में तोड़ू बराबर। फोर 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 जा। अब ये हो गया वी, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ आया सबको ये? आगे चलते हैं फिर। अब हमारे पास है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at 60 meter height when the stone was dropped, find time after which the stone hits the ground. Question समझ आया है? Yes. एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा था और उसी बलून के साथ पत्थर था, फिर हमने उस पत्थर को छोड़ा। उसके बाद जब ये तो केस तब था जब बलून 60 मीटर ऊपर था। अब हमें बताना है कितनी देर के बाद वो पत्थर ग्राउंड को टच करेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। 5 करेक्ट। वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा या सीधे नीचे आएगा? मैम नीचे आएगा। नीचे आएगा। देखो अब इसमें ना आपको अपना इनर्शिया यूज करना है। 5 मीटर पर सेकंड। क्या आपने बोला 5 मीटर पर सेकंड? वो आपने इसलिए बोला ना क्योंकि वो बलून के साथ जा रहा था और बलून उस स्पीड से जा रहा था। तो जब भी हम ऐसी बात करेंगे तो इनर्शिया उसको फॉलो करेगा, छोटे से टाइम के लिए ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा कि बलून ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ से पत्थर छोड़ा, पर पत्थर बिल्कुल छोटा सा, आपको फील भी नहीं होगा इतने छोटे टाइम के लिए ऊपर जाता है, पर इसीलिए हम सीधा अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। ये समझ आया सबको? यस मैम। कोई इनर्शिया वाला फैक्टर। तो पत्थर इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ेगा? अब पत्थर कितना रास्ता पार करेगा? 60 मीटर। पॉजिटिव नेगेटिव के नीचे, तो ये -60 हो गया। और हमें अब टाइम बताना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? v is equal to u plus at equal to u plus at। फाइनल वेलोसिटी कहां है? v is equal to u plus v equals to u plus half at plus at। एक सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कहां है? ये सब ये जो v equals to u plus at बोल रहे हैं, s is equal to ut plus half at square। S equals to ut plus half at square, h equals to ut plus half gt square। Height हमें पता है यहाँ पे -60, initial velocity 5 है, time हमें निकालना है, acceleration यहाँ पे -10 आएगा और time का square। समझ आया है सबको क्या किया मैंने? Yes ma'am। Yes। अब इससे cancel कर देते हैं, -5 आएगा, हमारे पास आया -60 5t + -5t2। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास बचेगा -12t - t2। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। कौन से बच्चे ऐसे जिनको मैथ से सख्त नफरत है? कौन कौन से बच्चे ऐसे? दूसरे नीट के क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, इसीलिए पूछ रही हूँ कौन कौन से जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद या बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी नहीं है? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर कहीं भी डाउट है ना कि मैम ये वाला आपने कैलकुलेशन कैसे करी है, तो मेरे से पूछ लेना, फिजिक्स में बहुत मैथ्स यूज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे लिखूं
ऐसे लिख सकती हूँ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. ये दोनों टर्म को बस लेफ्ट साइड ले गई. यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम. अब ये कैसी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए पहले. यस मैम. कैसे करते हैं मैम? जीरो कैसे आया? फैक्टर्स निकालते हैं. यस मैम. यस मैम. बताओ इसमें क्या फैक्टर आएंगे? मैम इसका माइनस टू आएगा और दूसरा माइनस ट्वेल्व स्क्वायर आएगा. क्या बोल रहे फैक्टर नेहा? हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस ट्वेल्व आए और ऐड करूं तो माइनस वन आए. यस मैम. बताओ सोच के ऐसे कौन से दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू माइनस फोर माइनस सॉरी प्लस प्लस फोर. उल्टा बोल रहे हो पर अभी भी माइनस फोर एंड प्लस थ्री. यस मैम. समझ आया सबको जब फैक्टर्स? यस मैम. अब उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं. टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री टी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास आएगा टी माइनस फोर प्लस थ्री इंटू टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं टी प्लस थ्री इंटू टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो. T की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? कितनी वैल्यूज आएंगी टाइम की यहाँ पे? 3T. अब देखो यहाँ करना होता है एक एक टर्म को पहले जीरो के इक्वल करना है. पहले कर देंगे जैसे T प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. एक बार ये कर दिया फिर अगर ये जीरो नहीं है तो मतलब T माइनस फोर इक्वल टू जीरो है. तो इससे क्या वैल्यू आएगी टाइम की? T is equal to 4. 4 और इधर से? T is equal to minus 3. अब आप सोच के बताओ कौन सी वैल्यू गलत है, माइनस थ्री या फोर? मैम फोर. फोर फोर गलत है. माइनस थ्री गलत है. माइनस थ्री गलत है. माइनस थ्री क्यों गलत है? मैम टाइम नेगेटिव में नहीं होता. करेक्ट. टाइम नेगेटिव में नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है. अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और कुछ पूछा होता तो नेगेटिव भी पॉसिबल था. अब जिन लोग को मैथ्स नहीं पसंद है वो बताओ कहीं डाउट है इसमें? नो मैम. नहीं है डाउट? क्लियर है सबको ये? यस मैम. अब यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. एक हॉट एयर बलून था वो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से. व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 45 मीटर. जब ये 45 मीटर ऊपर था ग्राउंड से इसमें से एक पैराशूटिस्ट निकला और 3 सेकंड के बाद उसका पैराशूट खुल गया और वो डेसिलरेट करने लग गया. मतलब थोड़ा एक्सेलरेशन उसका कम होने लग गया 5 मीटर पर सेकंड पे. अब हमें बताना है जब 3 सेकंड बीत चुकी थी तो जो आदमी था और इस बलून था ये बलून था उसमें कितना गैप आ गया. क्वेश्चन समझ आया सबको? तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो पहले तो उस बताओ उस आदमी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 हो जाएगी. इनर्शिया के कारण जाएगा या नीचे आएगा? एक सेकंड के लिए ऊपर जाएगा. क्या लेना पड़ेगा? माइनस टेन. अब कितने टाइम दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 3 सेकंड. और हमें डिस्टेंस निकालना है ना कि पैराशूट कितना नीचे गया.
यस मैम यस मैम यस मैम कौन सी इक्वेशन यूज करें एस है यू भी है ए भी है एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू एस सी इज इक्वल टू एटी प्लस हाफ एटी एस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो इक्वेशन यूज करते हैं 10 इनटू 3 प्लस हाफ इनटू माइनस 10 इनटू 9 क्या आंसर आएगा इससे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है नेहा शगुन बोलो शगुन आपने हैंड रेज कर मैम गलती से हो गया था ठीक है क्या वैल्यू आएगी यहाँ से सॉल्व करके माइनस 15 मैम माइनस 75 मतलब क्या है मैंने जिस जगह से ये पैराशूटिस्ट मतलब कूदा उससे हम 15 डिस्टेंस नीचे आ चुके ये मतलब है माइनस का ये समझ आया सबको yes, अब देखो अब वो बलून तो अभी भी चल रहा था वो भी तो कुछ डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा 3 सेकंड में yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अगर मैं उसके लिए निकालूंगी कितना डिस्टेंस पार करा बलून ने तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है जीरो 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 होता है वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं और बलून की वेलोसिटी क्या है 10 और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड 30 मीटर करेक्ट तो यहाँ से 30 मीटर आया तो जिस जगह से फेंका क्योंकि ये पॉजिटिव है उस जगह से बलून 30 मीटर और ऊपर चला गया है तो अब मेरे को बताओ ए और बी पॉइंट में कितना गैप है 15 सोच लो 45 45 किसने बोला पहले करेक्ट जगदीश आपका नाम क्या है मैम अनीता अनीता है ठीक है हाँ अनीता आपका आंसर करेक्ट है 45 आएगा देखते हैं जब भी हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस से गैप निकालते हैं हम क्या करते हैं दोनों की वैल्यू माइनस करते हैं ना यस यस मैम 40 में से हम माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो माइनस 15 है क्योंकि वो इस पॉइंट से नीचे है तो जैसे ही आप इसे माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 क्लियर है सबको यस मैम यस मैम यस मैम अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो प्लैंक एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया था गैलीलियो ने सबने झूला झूला स्लाइडिंग वाला Yes, यहाँ पे गैलीलियो ने एक ही स्लाइडिंग मतलब इंक्लाइंड प्लेन लिया और आप इमेजिन करो आप यहाँ झूला झूल रहे हो तो मेरे को आप सोच के बताओ जब आप उस पर थोड़ा सा आगे चलते हो तब कम टाइम लगता है या फिर जब नीचे जा रहे होते तब कम टाइम लगता है जब नीचे जा रहे होते हैं एक एक करके बोलो रुको कोई भी बोलो जब नीचे जा रहे होते हैं जब नीचे जा रहे होते तब कम टाइम लगता है तेजी से चले जाते हैं ना ऊपर से थोड़ा धीरे आ रहे होते फिर तेजी से चले अब हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है वो इसने प्रूव करा है गैलीलियो ने कि हमें टाइम कम लगता है और हम ज्यादा रास्ता पार कर लेते हैं जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे तो यहाँ पे उसने दो केस लिए एक वर्टिकल वाला लिया और एक इंक्लाइंड दोनों से सेम ही रिजल्ट आ रहा था कि जब टाइम जीरो था तो हमारी पोजीशन ये थी और वेलोसिटी जीरो अब 1 सेकंड बीत गई थी तो हमने 1 सेंटीमीटर पार कर लिया 2 सेकंड जब बीती तो हमने 4 सेंटीमीटर पार किया 3 सेकंड जब पूरी बीती तो 9 और फिर जब 4 हो गई तो 16 अभी 4, 3, 2, 1, 0 से मेजर कर रहा है मैं बीच की 1 सेकंड का नहीं बता रही हूँ ये समझ आया सबको अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है 1 सेकंड जब हुई तब तो 1 हुआ 2 सेकंड हुई तब 4 हुआ
तो एक और दो के बीच में जो एक सेकंड बीती थी उसमें कितना डिस्टेंस हुआ? 4 - 1 4 - 1 तीन हो जाएगा. ऐसे तीन और दो के बीच में जो एक सेकंड बीती उसमें कितना हुआ? 9 - 3 5 9 - 4 5 आप ये बताओ चार और तीन वाले के बीच में 16 - 9 7 तो अब हमारे पास आ गया कि अगर मैं एक पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड, चौथी सेकंड, ये सारी एक एक सेकंड ही है वो ले रही हूँ, तो मेरे को ऐसे नंबर मिल रहे हैं 1 3 5 7 9. ये समझ आया सबको? और ये सब क्या है 1 3 5 7 9? ऑड नंबर, बीच का डिस्टेंस, ऑड नंबर. तो जो भी नंबर का मेरे को टाइम पूछना है कि मतलब अच्छा ठीक है बताओ सातवीं सेकंड में कितना हुआ, तो सातवें नंबर पे जो ऑड नंबर होगा हम वो लिख सकते हैं. जब हमें बताना था पांचवी सेकंड में तो फिफ्थ ऑड नंबर होता है हमारे पास 9, वो लिख दिया. ऐसे अगर सिक्स सेकंड के लिए बोलेंगे तो क्या नंबर आएगा? 11. ये समझ आया सबको? यस मैम. किसी ने नो बोला? नो मैम. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ये देखूं कि चलो ठीक है तो एक एक सेकंड के लिए, अब मैं लिखूं कि एक सेकंड में, दो सेकंड में, तीन सेकंड में, चार में, तो मेरे को कुछ ऐसे डिस्टेंसेस मिल रहे थे 1 4 9 16. अब ये सारे नंबर क्या है? इवन ऑड नंबर. इवन नंबर ऑड भी है इसमें. स्क्वेयर्स है ये. करेक्ट. ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ये समझ आया सबको? Yes. तो अगर हम कि कितनी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस पार हो रहा है, तो अगर मैं टाइम का स्क्वायर कर दूं तो मेरे को पता चला है ठीक है 4 सेकेंड में 4 का स्क्वायर 16 डिस्टेंस पार हो. समझ आया सबको? Yes. और ये जो ऊपर किया था उसमें क्या था? मैं चौथी सेकंड, तो ये 4 सेकंड वो चौथी सेकंड है. दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना सबको? Yes. Okay. तो इसका छोटा सा प्रूफ है वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. और कौन कौन चाहता है कि मैं संडे वाला एक बार पेपर डिस्कस करूं? संडे को हुआ था, ठीक है. ओके, तो कल की क्लास में वो पेपर भी डिस्कस कर लेंगे. फिर हमारा आपको कपीर सर ने पढ़ाया था ना पहले? यस मैम. जो कंजर्वेशन लॉज थे आई थिंक वो बचा हुआ है ना आप लोगों का? यस मैम. ओके, वो कब कवर कर लेते हैं. और सबको पता है ना संडे को टेस्ट है? यस मैम. का होगा? हाँ फिजिक्स का, वेक्टर्स वाला मैम. हाँ, वेक्टर्स और कैलकुलस. कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दो. यस मैम. यस मैम. फिजिक्स का टेस्ट ही होगा का तीनों का? अभी तक तो फिजिक्स का ही सिलेबस आया क्योंकि सर ने, वो बायो वाले सर ने सेंड करा सिलेबस. ठीक है, अगर तीनों का होगा तो सर है ना. यस मैम. यस मैम. तो अगर आपको ना उन टॉपिक्स में भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक क्लास में ले लेना, तो मैं वो टॉपिक भी ले लूंगी. नेहा आप कुछ बोल रहे हो? ओके, तो अभी और किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो कल ना आपने कोई भी डाउट होगा संडे के टेस्ट के लिए तो वो भी ला सकते हो, वरना हम लोग एक बार टेस्ट भी डिस्कस करेंगे जो हो चुका है. Yes, yes, ma'am.